गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गाइस बीकॉम सेकंड ईयर की डेट शीट के बारे में। जी हाँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकंड ईयर और ये एग्ज़ाम की जो डेट है यह है गाइस, जो फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 21 तारीख से। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो बीकॉम सेकंड ईयर की जो डेट शीट, ठीक है गाइस, ये बीकॉम सेकंड ईयर की डेट शीट है। आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो बीकॉम सेकंड ईयर है, बी कॉम सेकेंड ईयर में टोटल मिला के जो है गाइस, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो पेपर होने हैं, नाइन पेपर होने हैं आपके, और ये जो नाइन पेपर हैं आप यहाँ पे इनकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है गाइस, कि कौन सा एग्ज़ाम कब होना है ये आपके सामने है। तो गाइस, सबसे पहला जो पेपर होगा 21 तारीख को होगा, 21 फरवरी को। ठीक है गाइस, जो 21 फरवरी को सबसे पहला पेपर है, 21 फरवरी को जो पेपर होगा गाइज, वो है आपका कॉरपोरेट लॉ का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 201। ठीक है गाइज, उसके बाद है 23 तारीख में, 23 में जो आपका 23 फरवरी को जो पेपर है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 202। और उसके बाद है गाइज, 28 तारीख में है आपका बिजनेस मैनेजमेंट का, और 2 मार्च को आपका जो मेन पेपर है न्यूमेरिकल वाला, इनकम टैक्स। ठीक है गाइज, ये 2 पेपर हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी आपका न्यूमेरिकल है, और ये जो आपका इनकम टैक्स है ये भी न्यूमेरिकल का पेपर है गाइस। जो 2 मार्च को ये पेपर होगा आपका, और इनकम टैक्स का जो कोड है वो है 204। उसके बाद जो पेपर होगा 2 के बाद 7 तारीख में है, 7 मार्च को। ठीक है गाइस, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, और इसका सब्जेक्ट कोड है 002। ठीक है गाइस, लेकिन गाइस मैं यहीं पे एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का होता है, प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये वाला एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर अंडरलाइन करके, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है गाइज, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला पेपर। जो नेक्स्ट पेपर होगा गाइज, आपका नेक्स्ट पेपर है आपका इसके बाद 8 मार्च में। ठीक है गाइज, 8 मार्च में, जो 8 मार्च को पेपर होना है, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, इस 3 सब्जेक्ट हैं, जिसके पास, जिस स्टूडेंट्स के पास में जो भी सब्जेक्ट, जो कोर्स है, कोर्स आपने सेलेक्ट किया होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो उसी का होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है गाइस, एक ही दिन होने हैं, और ये इनका कोड है 011, 012 या फिर 13। ठीक है, उसके बाद है जो पेपर होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है आपका 9 मार्च को है। ठीक है, उसके बाद होगा फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 13 को है, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस 16 मार्च को। ठीक है गाइस, ये आपका लास्ट पेपर है, और जो टाइम टेबल रहेगा गाइस, सेकंड मीटिंग में आपके जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे 11।